मैं सरपंच डुनुगाम बशीर नायक शुक्रगुजार हूँ अतिका जान जी जो के डीडीसी मेंबर हैं और शमीम गणेश साहब जो के बीडीसी चेयरपर्सन है और इनके साथ तमाम जितने भी मेहमान आए हुए हैं सरपंच साहिबान और बाकी जितने भी लोग हैं और हमारे पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब जो हैं और इनके साथ जो भी स्टाफ है इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हमारे साथ यहाँ पे इस रोड का जो है इनॉग्रेशन किया है हमारी। तो मैं आप मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जो आप मंडी से दूर दूर से चल के यहाँ पर हमारे डुनुगाम गांव में आए हैं, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं 70 साल से डुनुगाम बराछड़ी के लोग जो थे ये तरस रहे थे रोड के लिए, ये हमारे सब सेहरा जो है सरपंच साहब को भी जाता है और हमारे जितने कायद रहे हैं उनके सर जाता है जिन्होंने हमारी ये धीरे मांग पूरी की है। और मैं मुबारकबाद देता हूँ जो हमारे डीडीसी अतिका जान जी हैं, बीडीसी चेयरमैन हमारे हैं शमीम गनई साहब, इनकी कावशों की वजह से, इनकी मेहनत की वजह से आज हम 3 किलोमीटर रोड जो है बराछड़ी डुनुगाम को कनेक्ट करेगी और आज रोड बहुत जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद शमीम गनई साहब का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वहां से चल के यहाँ तक आए, लोगों की हौसला अफजाई की। यहाँ से आप जानते हैं कि यहाँ जो है ट्रांसफार्मर हमारे इधर मीरमल्ला का आज 20 दिन से जला हुआ था, फिर हमने कल शमीम साहब से रिक्वेस्ट की, इंशाल्लाह मुझे लगता है ये आए ट्रांसफार्मर भी आ जाएगा आज। और मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जो यहाँ पर आए, बीडीसी डीडीसी इनका शुक्रगुजार हूँ, लोगों की हौसला अफजाई की, ये गरीब लोग हैं यहाँ के, इनकी हौसला अफजाई की, मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसके साथ हमारे शमीम गनई साहब और यहाँ के सरपंच और बाकी जो भी आए हुए सब हजरात से यही है कि उनको बहुत बहुत मुबारक है जो आज ये प्रोजेक्ट हमसे इन्होंने स्टार्ट किया है। तो इसमें ये प्रोजेक्ट जो था इनकी, ये जो बराछड़ी के एरिया के लोग थे इनकी 20-25 साल पहले की डिमांड थी कि ये हमारे हमें रोड मिले और ये गवर्नमेंट ने ये सेंक्शन की है, ये जो PMGSY डुनुगाम से बराछड़ी की रोड, ये जो प्रोजेक्ट है हमारा ये 3,62,00,000 का है, तो ये आज शुरू किया है। तो इसमें सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जो भी बराछड़ी के लोग हैं। एक रोड हमने पहले शुरू की थी उस तरफ से चंबर से, पर उसमें काफ़ी थोड़ी सी अड़चनें आई, पर ये इनमें इन सबको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जिसकी ज़मीन आएगी बीच में या कुछ भी है उसको आपसी आपस में मिल बैठ के ही निपटा लें और एक ग्रेड में रोड बनाएं। ये बार बार ये मौके नहीं मिलते हैं क्योंकि जो भी कुछ रोडों में अड़चन आती है वो ग्रेड ठीक नहीं होता है, बाद में वो परेशानी होती है, लोगों को भी एक्सीडेंटल स्पॉट्स बनते हैं। इसलिए मैं सबसे यही प्रजोर अपील करता हूं कि जिस चीज़ की ज़मीन आएगी उसको बेनिफिट तो है ही है, रोड का बहुत बेनिफिट है और वो ग्रेड में बनने के आप वो करेंगे। तो देखिए आज यहाँ डुनुगाम से बराछड़ी जो रोड है उसकी इनाग्रेशन हमारी हरदिल अजीज रहनुमा मोहतरमा DDC मेंबर अतिका जान साहिबा ने की है। इसके साथ यहाँ हमारे जो प्रोमिनेंट सरपंच साहब हैं बशीर न्यायिक साहब, एक्जियन साहब हैं, रजाक साहब हैं सरपंच बायला, सरपंच मंडी और भी जितने हमारे मौजूद हैं उन सब की मौजूदगी में ये इनाग्रेशन हुई। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा डुनुगाम और बराछड़ी के लोगों का, जिनकी ये कोशिश पिछले तकरीबन 30-40 साल से है कि डुनुगाम से बराछड़ी तक जो है रोड पहुँचनी चाहिए और आज ये सपना जो है सच हुआ है।
3,62,00,000 रुपए की लागत से ये रोड तैयार की जाएगी और 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच जो है वो बनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज हमारी DDC मेंबर, मैं और हमारे जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं वो यहाँ तशरीफ लाए थे और इसका इनॉग्रेशन हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। एक्जियन साहब से, जो एजेंसी और जो ठेकेदार साहब हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि छोटे मोटे मामलात जो हैं, कहीं अगर आपको कहीं किसी को कंपनसेट भी करना पड़े तो वो दरवाजे भी आप खुले रखें। तो मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने यहाँ आकर इस प्रोग्राम में बताइएगा। आज नहायत खुशी का मकाम है कि इस वक्त हमारे दरमियान मोहतरमा अतीका जान DDC मेंबर मंडी और हमारे जनाब शमीम गनई साहब BDC चेयरपर्सन मंडी इस महफिल में आज यहाँ इकट्ठे मौजूद हैं। इनके साथ हमारे एग्जीन साहब, हमारे परविंदर साहब PWD और यहाँ के सरपंच साहब और दीगर मौजीन भी मौजूद हैं। ये जो आज इन्होंने इस काम का आगाज़ किया है सड़क का, जो ये डुनुगाम बराछड़ी रोड जो 3 किलोमीटर प्रोजेक्ट, तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़ायद इस पर इंशाल्लाह रकम लागत जो है वो खर्चा आ जाएगा। मैं अपनी तरफ से इन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस तवक्का के साथ कि ये जो इन्होंने आज तक कोशिश की, यहाँ के सरपंच साहब जो नायक साहब हैं, बशीर साहब, इनकी कोशिशों से और यहाँ के जो हमारे रहनुमा हजरात हैं उनकी कोशिशों से जो ये प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसमें कोई भी झगड़ा या किसी किस्म की कोई रुकावटें पैदा ना करें।